हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छा रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि है सेम फली जिसे बोलते हैं। उसकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे हम बनाएंगे खसखस के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगता है। चाहो तो आप इसे टिफिन के लिए बना सकते हो या फिर ऐसे ही दाल चावल के साथ खाने के लिए बना सकते हो। अब जब एक बार बनाओगे फ्रेंड, तभी आप जानोगे कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनता है। और जो नहीं खा रहे होते हैं सेमी जो नहीं खाते होंगे, वो भी खाने लग जाएंगे। ऐसे चटपटा स्वाद आपको मिलेगा। तो ज़रूर एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये जो रेसिपी है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये बताया था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं भी खाई थी तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी आपसे ये शेयर करती हूँ वाली रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, और बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाते हैं। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में आए हैं, पहली बार आए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे इस फैमिली से आप भी जुड़िए। और जितने ज़्यादा आप मेरे फैमिली बड़ा होते जाएगा, उतना ज़्यादा हम सबको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, जल्दी से जल्दी आप जुड़िए और आगे शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम चटपटा जो सेमी की सब्जी है खसखस के साथ, उसे बनाते हैं। तो खसखस के साथ जब इसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत जल्दी भी बनता है फ्रेंड, एकदम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो है खसखस और सेमी की सब्जी बना हुआ है। देखिए, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड, तो खाने में आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मेरे घर में तो सभी चट कर गए जब बनाई तो। और रोटी के साथ खाओ चाहे चावल के साथ, दोनों में बहुत टेस्टी लगा इसका स्वाद। तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए देखिए, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो निम्न है। सेम फली को मतलब बीच से चीड़ा लगाते हुए फाड़ के आप चेक करके ही साफ करिएगा फ्रेंड, वरना कीड़ा वगैरह रहता है। तो वैसे ही चेक कर ली हूँ मैं, और दो दो टुकड़ा में इसे कट कर ली हूँ। ज़्यादा लंबे है तो थोड़ा सा और छोटा टुकड़ा कट कर सकते हो, दो तीन टुकड़ों में। तो और इसके लिए एक प्याज ले ली हूँ, और एक प्याज को फ्रेंड मैं आधा जो है उसे सब्जी बनाने के टाइम डालूंगी और आधा को मैं मसाले में यूज़ करूंगी। तो एक प्याज काफ़ी रहेगा। तो मसालों के लिए देखिए, थोड़ा सा प्याज को मैं मसालों के लिए ले ली हूँ। तीन लहसुन की कली है, चार मिर्च है और दो टमाटर है। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाना चाहते हो तो मिर्च यहाँ पर बढ़ा सकते हो फ्रेंड। मैं चार ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो मेरा बेटा फिर नहीं खाएगा। तो चार काफ़ी है, अगर आप चाहते हो तो और ले सकते हो, या फिर मिर्ची पाउडर बाद में डाल सकते हो। और ये है खसखस, तो खसखस थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम खसखस और सेमी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे खसखस आपको ज़्यादा लेना है, और इसीलिए लहसुन मिर्च को हमने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि उसका स्वाद नहीं, हमको खसखस का टेस्ट चाहिए। तो खसखस इसमें मैं चार चम्मच ली हूँ, और इसे भी इसमें डाल देती हूँ, और खसखस मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना दी हूँ। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए, और जो सेमी है जिसे मैं धो के रखी थी, उसे हल्का सा इसमें हम पहले भून लेंगे, या आप बोल सकते हो कि सेलो फ्राई कर लेंगे। तो उससे क्या है, सेमी हमारा पक जाएगा। तो सेमी को हम अच्छे से फ्राई करके पहले हल्का सा सेलो फ्राई करके निकाल लेते हैं, और जो पेस्ट तैयार किए हैं उसे बाद में फिर इसी तेल में भुनेंगे। तो पेस्ट में आपने देखा होगा फ्रेंड, मैं मिर्ची लहसुन और प्याज और सिर्फ पोस्तो दाना भी बोलते हैं कई लोग उसे खसखस को, तो ये सब का बस पेस्ट बनाई थी। बाकी कोई और मसाला इसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें जो है खसखस हमारा मेन है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आप अभी तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तेल को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिए, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें जो सेम फली है उसे हम डाल देते हैं, और हल्का सा इसे भून के निकाल देते हैं कि ये थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि जब पक जाएगा तब फिर हम इसे मसाला भून के डालेंगे, तो ये और अच्छे से पक जाएगा। इसलिए इसे पहले हम तेल में हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसे पकना ज़रूरी है। तो चलो इसे पहले फ्राई कर लेते हैं।
अब देखिए सेमी को निकाल लेते हैं और इसमें जो तेल बचा हुआ है उसी तेल में हम मसाले को भून लेंगे फ्रेंड। तो सेमी को मैंने निकाल लिया है और ये जो तेल बचा हुआ है उसी में हम जो मसाला तैयार करके रखे हैं उसी को पहले भूनेंगे इसमें। तो पहले जो प्याज बचा के रखे थे आधा प्याज उसे डाल देते हैं, मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा प्याज को इधर डाल रही हूँ और एक चौथाई प्याज को मैं मसाले में यूज़ की थी क्योंकि मसाले में हमें ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए था और बाकी तीन हिस्सा जो प्याज है वो यहाँ पर यूज़ हो गया। तो इसे हल्का सा भून लेते हैं और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसे भी थोड़ा देर मिक्स कर लेते हैं जो हल्दी जो डाले थे उसे, और उसके बाद ये जो पेस्ट बना के रखे हैं उसे इसमें डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से हमारा जो प्याज और हल्दी का जो पेस्ट मसाला है उसमें भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को, और मसाले को अच्छे से भूनते हैं पहले। मसाले को अच्छे से भूनते हैं, अच्छे से इसका जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए और तेल छोड़ने लगे, तो हम मसाले को पहले अच्छे से भून लेंगे इसमें। देखिए मसाला जो अच्छे से भुन गया है और हमारा कढ़ाई से चिपक भी नहीं रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो जिसे थोड़ा सा तीखा और खाना है। और जो फ्राई करके रखे थे सेलो फ्राई करके जो सेम फली या फिर सेमी जो भी आप बोलते हैं उसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर इसे हम ढक के फिर पकाते हैं जिससे कि मसालों का जो टेस्ट है वो हमारे सेमी में आ जाए। तो इसे थोड़ा सा आँच को कम करके इसे कवर करके इसे 3-4 मिनट पहले पकने दीजिए। आप देखिए 3-4 मिनट बाद इसे चेक कीजिए तो ये अच्छे से मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाता है और मसालों का जो फ्लेवर है हमारे सेमी में आ जाता है। तो ऐसे ही ढक के थोड़ी देर इसे पकाइए आप।
हमारा सब्जी बन गया है फ्रेंड, अब गैस को बंद कर दीजिए। ये देखिए सब अच्छे से बन गया है, जो मसाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत चटपटा टेस्टी सब्जी बनता है। इसे आप रोटी चावल के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और जो नहीं खाते वो भी खाने सीख जाएंगे इसे बनाओगे तो देखिए बहुत सुंदर कलर भी आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा मेरी वाली रेसिपी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।